हेलो चैम्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक वर्किंग कैपिटल का, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, इससे रिलेटेड बहुत से वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं। जैसे अगर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर समझना है, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने उसे एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत से बच्चे उस वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 1 आवर है एंड यू वांट टू जस्ट गेट डन विद दिस टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। आई एम श्योर यू विल एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दैट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ट्रेडिंग ऑन एक्विटी, उससे रिलेटेड भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगेन यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द आई बटन। बट अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ वर्किंग कैपिटल का टॉपिक। ये टॉपिक रिलेटिवली ईजियर है, बट येस केस स्टडीज में पूछा जाता है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसा आपको पता है, दो तरह की कैपिटल्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है कि हर बिजनेस को फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। तो उसका अलग से टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बट अभी हम पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। सो वर्किंग कैपिटल होती क्या है? बिजनेस को जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसे चाहिए उसको आप वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। तो रोज़मर्रा के लिए जो आपको पैसे चाहिए, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। अगर आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए तो हम कहेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और अगर आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कम पैसे चाहिए तो हम कहेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। तो जैसे आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स आप समझते हैं, जैसे जो लिक्विड होते हैं जिन्हें आप 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश इन हैंड, देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो लिक्विड लाइबिलिटीज होती हैं जिन्हें आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना होता है, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, देन वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट? तो वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। दिस इज द डेफिनेशन। बट वैसे इसका मतलब है कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो आपको पैसे चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। नाउ ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो करंट एसेट्स होते हैं वो बिजनेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट? बिकॉज दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकर। और जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स। इससे आप अपना ऑपरेशंस करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो और फिर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो बिजनेस को एक बैलेंस मेंटेन करना होता है बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्विक एसेट्स बिजनेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड मोर क्विकली। और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में पढ़ते हैं। ऑल्सो मैं आपको ये भी एक अप्रोच बताना चाहती हूँ कि जैसे सी ए माइनस सी एल, सपोज मेरे करंट एसेट्स हैं 5 लाख और मेरी करंट लाइबिलिटीज हैं 3 लाख, इसका ये भी मतलब है, ध्यान से समझिएगा, इसका ये भी मतलब है कि 5 लाख के जो करंट एसेट्स हैं उसमें से 3 लाख के करंट एसेट्स तो करंट लाइबिलिटीज से फाइनेंस हो रहे हैं, और बाकी के करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से फाइनेंस नहीं हो रहे, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से फाइनेंस हो रहे हैं। मतलब 2 लाख के ऐसे करंट एसेट्स हैं जिसके लिए पैसा आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट लाइन दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, आई विल शो यू हियर। देखो, सम पार्ट ऑफ करंट एसेट्स इज यूजुअली फाइनेंस्ड थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज, यानी करंट लाइबिलिटीज, द रेस्ट इज फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड इज कॉल्ड नेटवर्किंग कैपिटल। यानी ये जो 2 लाख के करंट एसेट्स हैं ये आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस हो रहे हैं, ये आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसी को हम नेटवर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो लेट मी रिपीट, बिजनेस को स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल,
और इससे बिजनेस को लिक्विडिटी भी मिलती है। इसमें आते हैं आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, या इसे हम वो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स भी कह सकते हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करते हैं, राइट? अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो यू शुड बी एबल टू डू दिस। अब हम देखेंगे किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक बिजनेस को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए या कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें देखेंगे कि बिजनेस किस तरह का है, वॉट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, जिससे पता लगेगा कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम। जैसे तीन टाइप्स के बिजनेसेस का एग्जाम्पल आपकी बुक में है। आपका ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें आप बस कहीं से सामान खरीदते हो और कहीं बेच देते हो। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यू अंडरस्टैंड, इसमें आप रॉ मटेरियल लेके आते हो, फिर आप उसको प्रोसेस से कन्वर्ट करते हो फिनिश्ड गुड्स में। और एक हो गया सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है? ओके, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। वाई? बिकॉज देखें, ध्यान से समझेंगे, कहीं से सामान खरीदना है, कहीं बेच देना है, आपको कोई कन्वर्जन नहीं करनी, आपको कोई रॉ मटेरियल्स वगैरह नहीं चाहिए, कोई फैक्ट्री में आपको वेजेस वगैरह पे नहीं करनी, तो आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कम पैसे चाहिए। यू रिक्वायर स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इफ यू आर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर रीजन आप देंगे, बिकॉज इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, वही मतलब कोई प्रोसेस नहीं होता जिससे रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा। One more thing that you should try to remember, that there is no distinction between raw material and finished goods, right? जैसे manufacturing में तो raw material आएगा, फिर process होगा, फिर वो finished goods में convert होगा, but trading में ऐसा नहीं है, जो आया वही आपने बेच दिया। So ये भी आप याद रखें, no distinction between raw materials and finished goods, right? इसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पे जो सेल्स हैं, दे कैन बी इफेक्टेड एज सून एज यू रिसीव द मटेरियल। जैसे ही आपको सामान मिला, यू कैन यू नो सेल इट। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वेट करना पड़ेगा बीच में। सो सेल्स कैन बी इफेक्टेड एज सून एज द प्रोडक्ट इज रिसीव्ड, एंड समटाइम्स इवन बिफोर दैट। कैसे? इफ यू आर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये ट्रेडर हैं, राइट? आप किसी मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद कर कस्टमर को बेचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को कस्टमर का ही एड्रेस दे देते हैं और वो कस्टमर तक सामान पहुंच जाता है। यू आर लाइक अ मिडलमैन, जैसे ड्रॉप शिपिंग में भी होता है। तो यहाँ पे देर इज वन लाइन इन योर बुक विच सेज, समटाइम्स सेल्स कैन बी इफेक्टेड Even before goods are received by you, मतलब directly भी हो सकता है। Okay, I'll show you this here. देखें, trading organization में smaller amount of working capital चाहिए, because कोई processing नहीं होती, raw materials और finished goods में कोई difference नहीं होता। Sales आप immediately कर सकते हो जैसे ही आपको material मिलता है, और कई बार तो उससे भी पहले, right? ओके, अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिकॉज पहले आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर उसकी कन्वर्जन करोगे फिनिश्ड गुड्स में। आपको रॉ मटेरियल का भी स्टॉक रखना पड़ेगा, फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक रखना पड़ेगा जब तक वो सेल नहीं होते। वर्कर्स को वेजेस देनी पड़ेंगी, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होंगे, पावर फ्यूअल के खर्चे होंगे, तो डे टू डे ऑपरेशंस में ज़्यादा पैसे जाएंगे इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगेन लेट अस सी फ्रॉम द बुक। In a manufacturing business, however, raw material needs to be converted into finished goods before any sales become possible. So, raw material needs to be converted into finished goods before you can actually sell your product, right? Okay, then service industry ki baat karte hain. Service, you understand, लॉयर आपको लीगल सर्विसेज देता है, टीचर आपको टीचिंग सर्विस देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी की सर्विसेज देता है। तो सर्विस इंडस्ट्री में भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है
अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट क्यों कम होती है, प्रॉपर रीजन बच्चे आपको लर्न करना होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, कोई स्टॉक नहीं रखना, राइट? अब स्टॉक इज अ मेजर पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. अब अगर आपको करंट एसेट्स कम चाहिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, तो हम कहेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है. लेट अस रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो हियर. देखो, सर्विस इंडस्ट्रीज में they do not have to maintain inventory, that is why they require less working capital. Also champs, I want to tell you ki jab aap ek point padh rahe ho to bas aap usi pe focus karenge, other factors remaining constant, this is always there. Okay, so working capital requirement kam hai, but kyun kam hai, you know, you also need to know the reason, because no need to maintain inventory, aapko koi stock rakhne ki zarurat nahi hai. हाँ, डॉक्टर्स हो सकता है थोड़ा बहुत मेडिसिंस का स्टॉक रखें, इवन दो डॉक्टर्स प्रोवाइड मेडिकल सर्विस, बट दैट इज लाइक स्टिल लेस देन कीपिंग लाइक मेजर स्टॉक ऑफ गुड्स. सो नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके चैम्स, ये पॉइंट समझना काफ़ी ईजी है. स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अगर आप बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, रोज़मर्रा के काफ़ी सारे खर्चे होंगे, और अगर आप छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए. आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस सी फ्रॉम द बुक ऑल्सो. फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट ऑन अ हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन, क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी. डेटर्स भी हो सकता है आपके ज़्यादा हों अगर आप बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, बिकॉज इतने सारे लोगों से आप डील करते हो. कोई लोग टाइम पे पैसे देते हैं, कोई लोग उधार पे यू नो सामान खरीद लेते हैं, तो डेटर्स भी आपके ज़्यादा होंगे. सच ऑर्गेनाइजेशंस देयरफॉर रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट ऑन अ लोअर स्केल. ठीक है, तो आपको क्या लर्न करना है कि कम चाहिए या ज़्यादा और क्यों, राइट? सो इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड. हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन है अगर आपका, तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल. अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपको इन्वेंट्री भी ज़्यादा चाहिए, आपके डेटर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, आपको कैश भी यू नो ज़्यादा रखना पड़ सकता है अपने पास इफ़ यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन. ओके, एंड वाइस वर्सा. ओके, अनदर समझते हैं. सो द थर्ड पॉइंट इज बिजनेस साइकिल्स. बिजनेस साइकिल्स में जैसे आपको पता है कि ट्रेड साइकिल्स होते हैं. देर इज समथिंग कॉल्ड बूम, मतलब बहुत ही मार्केट में बूम चल रहा है, बहुत प्रोडक्शन हो रही है, बहुत सेल्स हो रही है, बिजनेसेस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. देन देर इज समथिंग कॉल्ड रिसेशन, नाम तो आपने सुना ही होगा. देन डिप्रेशन, एंड फिर जब चीज़ें थोड़ी बेटर होने लगती हैं देन वी से रिकवरी. ओके, तो दीज आर द बिजनेस साइकिल्स और ट्रेड साइकिल्स, बट इसमें से हम बूम और डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज दीज आर द एक्सट्रीम सिचुएशंस. तो बूम में क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा, सेल्स ज़्यादा, बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा, तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसे चाहिए वो भी तो ज़्यादा. सो बूम के केस में यू रिक्वायर हायर वर्किंग कैपिटल, और डिप्रेशन में प्रोडक्शन कम, सेल्स कम, मंदी का माहौल है, बिजनेसेस कोई ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसे चाहिए वो भी कम. सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट? इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी बूम में, एंड डिप्रेशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. ठीक है, लेट अस रीड फ्रॉम द बुक. डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय अ फर्म. इन केस ऑफ अ बूम द सेल्स एज वेल एज प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी लार्जर, एंड देयरफॉर लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. As against this, the requirement for working capital will be lower during periods of depression as sales and production would be small. Quite easy to understand. So boom mein working capital requirement is more because production and sales zyada hain. Depression mein working capital requirement kam hai because production और sales कम है.
आपको डे टू डे के लिए कम पैसे चाहिए, बिजनेस तो ज्यादा चल नहीं रहा है, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज सीजनल फैक्टर्स. जैसे कई बिजनेसेस सीजनल इन नेचर होते हैं, एक पीक सीजन होता है, एक लीन सीजन होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक हिल स्टेशन है, वहां पे एक होटल है. अब ये सीजनल बिजनेस है टू सम एक्सटेंट. जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, समर्स में काफी लोग आते हैं या फिर स्नोफॉल देखने आते हैं, बट फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड इतना ज्यादा वहां पे एक्टिविटी नहीं होती. तो आप कह सकते हो अ होटल इन अ हिल स्टेशन इज अ सीजनल बिजनेस. तो पीक सीजन में क्या होता है, बहुत लोग रहने आते हैं, फिर आपको किचन में सामान भी ज्यादा चाहिए, वर्कर्स भी ज्यादा रखोगे, वेजेस उनकी दोगे, देन इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे ज्यादा होंगे. तो पीक सीजन में ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और लीन सीजन में कोई लोग ही नहीं आ रहे हैं, किचन में भी ज्यादा सामान नहीं चाहिए, वर्कर्स भी नहीं ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बिल भी ज्यादा नहीं है. सो लीन सीजन में आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए. इजी टू अंडरस्टैंड? लेट अस सी फ्रॉम द बुक. मोस्ट बिजनेसेस हैव सम सीजनैलिटी इन देयर ऑपरेशंस. इन पीक सीजन, बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी, लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, एंड एज अगेंस्ट दिस द लेवल ऑफ एक्टिविटी एज वेल एज द रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल विल बी लोअर ड्यूरिंग द लीन सीजन. क्वाइट ईजी. ओके, तो पीक सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है बिकॉज हायर बिजनेस एक्टिविटी है. यू कैन ऑल्सो से कि जो जो लोग वुलन क्लोथ्स बनाते हैं वो भी सीजनल बिजनेस हो गया ना एक तरह से. ओके, एंड लीन सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है बिकॉज ऑफ लेस बिजनेस एक्टिविटी. ओके चैम्प, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन साइकिल. प्रोडक्शन साइकिल बेसिकली टाइम पीरियड होता है बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स. लेट मी फर्स्ट राइट देन एक्सप्लेन. सो टाइम स्पैन बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल, जब आपको रॉ मटेरियल मिला है और जब वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हुआ है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोडक्शन साइकिल. कन्वर्जन इन फिनिश्ड गुड्स, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, तो आपको रॉ मटेरियल मिलता है, वुड मिलती है, और मे बी विद इन अ वीक यू कन्वर्ट इट इंटू अ डाइनिंग टेबल, अ सोफा सेट और अ बेड, राइट? तो 1 वीक इज योर प्रोडक्शन साइकिल. जब आपको रॉ मटेरियल मिलता है, उससे 1 वीक के अंदर आप उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं. देन लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज आप बेकर हैं, आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं, बटर लेके आते हैं, फ्लावर लेके आते हैं, क्रीम लेके आते हैं, एंड मे बी विद इन अ फ्यू आवर्स और मे बी इन अ डे आप उसे केक में कन्वर्ट कर देते हैं. सो हियर योर प्रोडक्शन साइकिल इज शॉर्टर. तो कुछ बिजनेसेस का प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर होता है, कुछ बिजनेसेस का प्रोडक्शन साइकिल स्मॉलर होता है. नाउ कैन यू इमेजिन, अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर है, तो 1 वीक जैसे हमने फर्नीचर के केस में देखा, तो 1 वीक तक आपको अपने वर्कर्स को वेजेस देनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होंगे, मशीन्स चलेंगी, डे टू डे ऑपरेशन ज़्यादा होंगे, वर्कर्स को चाय पानी भी देना पड़ेगा, राइट? सो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी इफ़ योर प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर. वहीं अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है, आप जल्दी से फिनिश गुड्स में अपना प्रोडक्ट कन्वर्ट कर देते हो, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगी. लेट अस ऑल्सो रीड फ्रॉम द बुक. सम बिजनेसेस हैव अ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल व्हाइल अदर्स हैव अ शॉर्टर वन. ड्यूरेशन एंड लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर मटीरियल्स एंड एक्सपेंसेस. जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा, उतनी ज्यादा देर तक आपके खर्चे होते रहेंगे. कॉन्सिक्वेंटली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर इन फर्म्स विद लॉन्गर प्रोसेसिंग एंड लोअर इन फर्म्स विद शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल. प्रोसेसिंग साइकिल भी बोल रहे हैं, प्रोडक्शन साइकिल भी बोल रहे हैं, इट्स ऑल द सेम. सो लॉन्गर प्रोसेसिंग साइकिल है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए बिकॉज यू नीड मोर फंड्स फॉर मटीरियल्स एंड एक्सपेंसेस. मोर फंड्स नीडेड
फॉर मटीरियल्स एंड एक्सपेंसेस एंड वाइस वर्सा. अगर शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट अलाउड. क्रेडिट अलाउड का मतलब है कि आप कितना इजिली उधार दे देते हो अपने कस्टमर्स को, मतलब कितना आप क्रेडिट सेल्स करते हो. कितनी आप क्रेडिट सेल्स करते हो वैसे ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा उधार देना पड़ सकता है अपने कस्टमर्स को. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर. तो अगर आप लिबरल हो, मतलब आप आराम से क्रेडिट दे देते हो अपने कस्टमर्स को, उधार पे सामान बेचते हो, तो सोचो ज़्यादा देर तक आपके पैसे फंसे रहेंगे बिकॉज डेटर्स बढ़ जाएंगे और आपके पैसे फंसे रहेंगे. देन यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस बिकॉज काफ़ी फंड्स तो आपके ब्लॉक हो गए. अब बाकी खर्चों के लिए आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए. वहीं अगर आप कैश पे सेल कर देते तो साथ के साथ पैसे आ जाते तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना होती, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहती. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो अगर आप ज़्यादा क्रेडिट देते हो यानी आप ज़्यादा क्रेडिट सेल्स करते हो तो आपके डेटर्स ज़्यादा होंगे, आपके जो फंड्स हैं वो ब्लॉक्ड रहेंगे, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. यू विल नीड मोर मनी टू यू नो गो ऑन विद योर डे टू डे ऑपरेशंस. ऑल्सो इसे समझने का एक और तरीका है, जैसे आपको पता है वर्किंग कैपिटल इज सी ए माइनस सी एल. डेटर्स इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ करंट एसेट्स. तो अगर डेटर्स ज़्यादा हैं मतलब करंट एसेट ज़्यादा हैं मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, मतलब मैथमेटिकली भी आप इसको समझ सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर आप लिबरल नहीं है, अगर आप स्ट्रिक्ट हैं अपनी क्रेडिट पॉलिसी में, मतलब आप आसानी से उधार नहीं देते या फिर आप ज्यादा कैश पे ही सामान बेचते हो, तो आपके डेटर्स कम होंगे, पैसे कम फंसे रहेंगे और आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेस. जैसे आई विल शो यू इन योर बुक ऑल्सो, डिफरेंट फर्म्स हैव डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स फॉर इट्स कस्टमर्स. दीज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट अ फर्म फेसेस एज वेल एज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द क्लाइंटल. अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट्स इन हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर, राइट, बिकॉज आपके फंड्स ज़्यादा ब्लॉक्ड रहेंगे. सो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो डेटर्स ज्यादा होंगे, डेटर्स ज्यादा होंगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ इसी पॉइंट का हम रिवर्स समझते हैं, क्रेडिट अवेल्ड. क्रेडिट अवेल्ड मतलब आप कितना क्रेडिट परचेजेस कर सकते हो. अगर आपको इजीली क्रेडिट मिल जाता है, मतलब आप अपनी ज़्यादातर परचेजेस क्रेडिट पे कर पा रहे हो, तो सोचो अभी आपको कम पैसे चाहिए ना, सामान खरीदना है, क्रेडिट पे खरीद रहे हो, बाद में पैसे देने हैं, अभी कम चाहिए ना. सो राइट नाउ योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेस अगर आपको इजीली क्रेडिट मिल जाता है. सो लेट अस रीड फ्रॉम द बुक. Just as a firm allows credit to its customers, it also may get credit from its suppliers. To the extent it avails the credit purchases, the working capital requirement is reduced. अगर आप क्रेडिट पे सामान खरीद सकते हो तो अभी आपको कम पैसे चाहिए, बाद में पैसे देने हैं, so working capital requirement is less. मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, जैसे आपको पता है वर्किंग कैपिटल इज सी ए माइनस सी एल. क्रेडिटर्स अगर ज्यादा हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ सी एल, अगर करंट लाइबिलिटीज ज्यादा हैं, तो देखो ये माइनस का साइन है ना, ये नेगेटिवली रिलेटेड है वर्किंग कैपिटल से. तो अगर आपकी करंट लाइबिलिटी ज्यादा है सो यू रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं नॉर्मली भी, कि अगर आपको उधार पे सामान मिल रहा है तो अभी कम पैसे चाहिए, सो लेस वर्किंग कैपिटल. ओके चाम, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. इस पॉइंट में हम ये देखते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन
बहुत एफिशिएंसी से काम करती है तो उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और अगर एफिशिएंसी से काम नहीं करती, वेस्टेज वगैरह करती है, तो उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटर है, इसका मतलब है कि उसको रॉ मटेरियल वगैरह कम रखने की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल आता है और बस वो कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स जल्दी से हो जाती हैं। इसका मतलब रॉ मटेरियल कम रखना पड़ेगा अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटर है। अनदर, अगर आपकी डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जैसे आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, अगर आपकी डेटर्स टर्नओवर रेशियो बेटर है, मतलब आप अपने डेटर्स से जल्दी पैसे कलेक्ट कर लेते हो और आपके पैसे ज़्यादा देर तक फंसे नहीं रहते, मतलब आपको आपके डेटर्स कम होंगे, आप जल्दी से उनसे पैसे निकलवा लेते हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बेटर सेल्स एफर्ट है, मतलब आप सेल्स करने में बहुत एफर्ट करते हो, बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हो, तो आपको फिनिश्ड गुड्स भी ज़्यादा देर तक रखने नहीं पड़ेंगे अपने पास, वो जल्दी से सेल हो जाएंगे। तो आपको फिनिश्ड गुड्स भी अपने पास कम देर के लिए रखने पड़ेंगे। तो इन सब से पता लगता है कि आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हो, और अगर आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हो, अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। जैसे आप देखते हो रॉ मटेरियल, डेटर्स, फिनिश्ड गुड्स, ये तीनों आपके वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स हैं ना, करंट एसेट्स। अगर ये तीनों कम है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। वैसे भी नॉर्मली सोच के देखो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कम पैसे चाहिए होंगे, बिकॉज आप कम वेस्टेज कर रहे हो, और अगर आप एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, राइट? एक बार बुक से भी देखते हैं। फर्म्स मैनेज देयर ऑपरेशंस विद वेरीड डिग्रीज ऑफ एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म मैनेजिंग इट्स रॉ मटेरियल्स एफिशिएंटली मे बी एबल टू मैनेज विद स्मॉलर बैलेंस, मतलब कम रॉ मटेरियल से आपका काम अगर चल सकता है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सिमिलरली, अ बेटर डेटर्स टर्नओवर रेशियो मे बी अचीव्ड रिड्यूसिंग द अमाउंट टाइड अप इन रिसीवेबल्स। बेटर सेल्स एफर्ट में रिड्यूस द एवरेज टाइम फॉर विच फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्रीज इज हेल्ड। सच एफिशिएंसीज में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल्स, में रिड्यूस द लेवल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, में रिड्यूस द लेवल ऑफ डेटर्स, रिजल्टिंग इन लोअर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके चैम्प, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ईजी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आप ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए जो बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है, फ्रीली मिल जाता है, कभी भी मिल जाता है, आसानी से आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो अगर आप अपने पास हर वक्त कम रॉ मटेरियल भी रखोगे तो चलेगा, बिकॉज जब भी चाहिए होगा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको रॉ मटेरियल अपने पास कम रखना है तो हम कह सकते हैं कि आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। बट मान लीजिए आप कोई ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करते हो जिसकी सप्लाई इंटरप्टेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अपना रॉ मटेरियल किसी फॉरेन कंट्री से मंगवाते हो, और जैसे अभी ड्यू टू कोविड आपको लगता है कि कभी भी ट्रांसपोर्ट रुक सकता है, तो पता नहीं रॉ मटेरियल मेरा टाइम पे पहुँचे ना पहुँचे, इसलिए मुझे अभी ना अपने पास ज़्यादा रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, बिकॉज इसकी जो सप्लाई है वो इंटरप्ट हो सकती है। तो इस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। ऑल्सो देर इज समथिंग कॉल्ड लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है, जैसे दिस इज द टाइम गैप बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है, और जब आपको एक्चुअली सामान मिला है, एक्चुअल रिसीट ऑफ मटीरियल, इसके बीच में जो टाइम गैप है दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस किया और 2 दिन बाद आपको डिलीवरी मिल गई, तो हम कहेंगे द लीड टाइम इज 2 डेज, राइट? तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके रॉ मटेरियल को अराइव होने में ज़्यादा समय लगता है, इफ़ द लीड टाइम इज यू नो टू मच, इज टू लॉन्ग, तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल अपने पास हमेशा रखना पड़ेगा, बिकॉज आज अगर ऑर्डर प्लेस करोगे तो लेट से 2 महीने बाद जाके आपको मटेरियल मिलेगा। तो हियर वील से कि लीड टाइम ज़्यादा है।
ऑन दी अदर हैंड अगर लीड टाइम सिर्फ 2 डेज है, आज अगर ऑर्डर प्लेस करोगे 2 दिन के बाद आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो उस केस में आपको अपने पास कम मटेरियल रखना होगा, कम मटेरियल रखोगे तो भी चल जाएगा। सो लार्जर द लीड टाइम, अगर ज़्यादा समय लगेगा आपका मटेरियल आने में तो आपको लार्जर स्टॉक रखना पड़ेगा, लार्जर स्टॉक ऑफ मटेरियल यू विल हैव टू कीप, तो आपको फिर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, राइट? और अगर लीड टाइम कम है, कम स्टॉक ऑफ मटेरियल से भी काम चल जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। इजी, एक बार बुक से भी देखते हैं। इफ द रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर फ्रीली एंड कॉन्टिन्यूअसली अवेलेबल, लोअर स्टॉक लेवल्स में सफाइस, मतलब काम चल जाएगा। इफ हाउएवर रॉ मटेरियल्स डू नॉट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी, हायर स्टॉक लेवल्स मे बी रिक्वायर्ड। इन एडिशन द टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसीट ऑफ मटीरियल्स, विच इज कॉल्ड लीड टाइम, इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इज ऑल्सो रेलिवेंट। लार्जर द लीड टाइम, लार्जर द क्वान्टिटी ऑफ मटीरियल टू बी स्टोर्ड एंड केप्ट, सो लार्जर शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल है ग्रोथ का, आने वाले समय में ग्रोथ होने वाली है, नई नई ब्रांचेस खुलने वाली है, और एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, उनकी वेजेस होंगी, रॉ मटेरियल वगैरह ज़्यादा रखना पड़ेगा बिकॉज वी आर अबाउट टू ग्रो, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। Simple to understand. Okay, let us see from here. If the growth potential of a concern is perceived to be higher, it will require larger amount of working capital so that it's able to meet higher production and sales target whenever required. ज़्यादा रॉ मटेरियल रखोगे, employees भी आपको ज़्यादा hire करने पड़ सकते हैं, तो उनकी salaries, wages, right? So अगर growth prospects है, potential है, पोटेंशियल टू ग्रो इज हायर, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। सिंपल है, अगर मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिशन है, आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, तो देखो आपको स्टॉक भी ज्यादा रखना पड़ेगा, यू नो, ताकि कोई भी कस्टमर खाली हाथ ना जाए और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वेराइटी मिले आपके पास, तो आपको इन्वेंट्री ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ऑल्सो हो सकता है क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो आपको अपने कस्टमर्स को क्रेडिट भी देना पड़े, यू नो, क्रेडिट पॉलिसी आपकी लिबरल हो सकती है अगर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, डेटर्स भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा देर तक पैसे फंसे रहेंगे, सो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी हायर। आई थिंक दिस इज ऑल्सो सिंपल टू अंडरस्टैंड हियर। हायर लेवल ऑफ कंपेटिटिवनेस मे नेसेसिटेट larger stocks of finished goods to meet urgent orders from customers. This increases the working capital requirement. Competition may also force the firms to extend liberal credit terms. Again, that will increase the requirement of working capital. So the last point is inflation. Inflation, aap samajhte hain, rising prices. Agar cheeze mehengi ho rahi hai, agar general price level economy mein badh gaya hai, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। कैसे? मान लीजिए पहले आप 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे और इसकी प्रोडक्शन के लिए आपको कॉस्ट पड़ती थी लेट्स से ₹20,000, ठीक है? अब इतनी ही प्रोडक्शन करने के लिए अगर इन्फ्लेशन हो जाए, आफ्टर इन्फ्लेशन, आफ्टर राइज इन प्राइसेस, इतनी ही प्रोडक्शन करने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी बिकॉज चीज़ें महंगी हो गई है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, वेजेस महंगी हो गई है, मतलब ज़्यादा वेजेस आपको देनी पड़ेंगी वर्कर्स को। तो मे बी नाउ यू नीड 35,000 रुपीज टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, राइट? सो अगर महंगाई बढ़ गई है तो आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। सिंपल टू अंडरस्टैंड। देन आपकी बुक में एक और पॉइंट दिया हुआ है कि मान लीजिए इन्फ्लेशन का रेट है 5%,
मतलब जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में चीजों का 5% से बढ़ गया है। तो इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी 5% से ही बढ़ेगी, नॉट नेसेसरली। बिकॉज अगर 5% इन्फ्लेशन का रेट है, तो ये थोड़ी मतलब है कि सारी चीजें 5% से ही महंगी हुई हैं। ये तो जनरल होता है, राइट? हो सकता है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, वेजेस हैं, फ्यूअल है, देन रॉ मटेरियल है, हो सकता है इनके प्राइसेस 5% से ज़्यादा बढ़ गए हों या कम बढ़ गए हों। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3% बढ़ गए हो, वेजेस 2% बढ़ गई हो, फ्यूअल 6% बढ़ गया और रॉ मटेरियल 5% ही बढ़ा हो, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस कॉम्पोनेंट्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर इन्फ्लेशन 5% है तो वर्किंग कैपिटल भी 5% से ही बढ़ेगी। दैट डिपेंड्स कि इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें कितना राइज इन प्राइस हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेट अस ऑल्सो रीड फ्रॉम बुक। विद राइजिंग प्राइसेस लार्जर अमाउंट्स आर रिक्वायर्ड इवन टू मेंटेन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। उतना ही प्रोड्यूस करने के लिए अब ज्यादा पैसे चाहिए। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस बिकम्स हायर विद हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सिंपल। इट मस्ट हाउएवर बी नोटेड that an inflation rate of 5% does not mean that every component of working capital will change by the same percentage. किसी चीज का प्राइस 5% से ज्यादा बड़ा हो सकता है, किसी चीज का प्राइस 5% से कम, या हो सकता है किसी चीज का प्राइस नेग्लिजिबल ही बढ़ा हो। The actual requirement shall depend on the rates of price change of different components, like raw material कितना महंगा हुआ है, finished goods अब आप कितने महंगे बेचोगे, लेबर कॉस्ट कितनी बड़ी है, फिनिश्ड गुड्स एज वेल एज देयर प्रोपोर्शन इन द टोटल रिक्वायरमेंट। सो सिंपल है, इफ इन्फ्लेशन, इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%, डजंट मीन दैट एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज बाय 5%। दैट डिपेंड्स। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ओके चैम्स, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोज देखना चाहेंगे। ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए फॉर अदर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।